हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका पाटकार व्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल चले गए हैं, मेरे हस्बैंड भी एक टीचर हैं वो भी स्कूल चले गए हैं। इन सब के जाने के बाद मैं कुछ मिनट बैठ के रेस्ट करती हूँ, बस वही पानी पीना, थोड़ा सा बैठना, मोबाइल देख लेना, क्योंकि तुरंत का तुरंत मैं झाड़ू पोछा नहीं लगाती हूँ। थोड़ी देर बाद मैं मोपिंग करना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि झाड़ू कभी कभी मैं इनके जाने से पहले भी लगा लेती हूँ, और कभी कभी होता है कि मैं बच्चों और पति के जाने के बाद ही लगाती हूँ। तो आज जो है सिर्फ झाड़ू लग गई थी, पोछा रह गया था, तो मैं मोप से लगा रही हूँ। मैं बहुत टाइम से मोप का ही यूज़ कर रही हूँ, स्प्रिंग मोप, और हाथ से काफ़ी टाइम से नहीं लगाया है, तो जैसे आदत मेरी छूट गई है, लेकिन फिर मैं कोशिश करना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अपना वेट और कम करना है। देखिए, कहते हैं कि घर के काम से वेट कम नहीं होता है, लेकिन फिर भी घर के काम करो तो फिट तो थोड़ा बहुत रहते ही हैं। नहा धो लिया था, भगवान की पूजा कर ली थी और तुलसी माता को भी आरती कर ली थी। ये सारे काम करने के बाद तब मैं थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालती हूँ, जब मैं बैठ के चाय पीती हूँ, और जब चाय पीऊँगी उसी टाइम आप लोगों के कमेंट पढ़ूँगी, आप लोगों के रिप्लाई करूँगी, या फिर वीडियो अपलोड करना रहता है तो वहाँ पे लैपटॉप पे पास जाकर वहीं पे मैं चाय पीऊँगी, और वीडियो की एडिटिंग के साथ साथ मैं उसे अपलोडिंग पे भी लगा देती हूँ। ये सारे काम करने के बाद मैं आ जाती हूँ बेडरूम में, तभी अचानक बेल बजती है और पता चलता है कि मेरा कोरियर आया हुआ है। मैं फटाक से लेके आती हूँ, और इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं तुरंत का तुरंत खोलने बैठ गई। और गाइज, इसमें क्या है, वो तीन कुर्ते सेट हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ पिछले अमेज़ॉन हॉल में। सारे कपड़े बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है, मुझे बेहद पसंद आए हैं, तभी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। अभी फ़िलहाल मैं खोल के आपको एक एक करके दिखा रही हूँ कि कैसे लग रहे हैं। जब ये स्ट्रिप वाला जो आया था ना, पतली बद्दी वाला टॉप कुर्ता, ये ना मैं सोच रही थी अब मैं ये नहीं पहनूंगी, लेकिन जब इसका स्ट्रक देखा और इसका लुक देखा पहनने के बाद, तो बस वाव निकला। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इसे डेली में पहन लूँ, या फिर कहीं भी जाओ तो पहन लूँ, कोई बर्थडे पार्टी है या फिर खुद का बर्थडे है, घर में कोई ऐसा ओकेज़न है जिसमें हम थोड़ा वेस्टर्न डाल सकते हैं, तब हम पहन सकते हैं, अदरवाइज नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही वो है, वैसा है वेस्टर्न में, लेकिन लुक बहुत अच्छा है, कपड़ा बहुत ही प्यारा है। बस इसके बाद मैंने कुछ ट्राई वगैरह करके देखे और मुझे अच्छे लगे तो मैंने आप लोगों के साथ में बता दिए। और मुझे आज कर रहे थे बहुत सारे कपड़े प्रेस, मेरे पति देव के काफ़ी हो गए थे, शर्ट पैंट जीन्स बहुत सारे कपड़े थे, तो ये भी मैं लेके बैठ गई। और ये देखो, मैं कपड़े बस प्रेस कर ही रही थी तभी बेल फिर बजी और मेरे बच्चे भी आ गए। ऐसा होता है कभी कभी, टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं रहता है, घर के काम को करते करते कब वक्त बीत जाता है कि मम्मी सुबह की ड्यूटी पूरी करने के बाद जब पत्नी की ड्यूटी पूरी कर रही होती है तभी फिर बच्चे आ जाते हैं। तो गाइस, यही है एक जीवन में एक गृहिणी का जो दिन रहता है वो, क्योंकि अगर हम एक गृहिणी हैं, घर घर के सारे काम करते, एक हाउस वाइफ है, तो हम लोगों के पास बहुत काम होते हैं, एक जॉब के बराबर, एक जॉब से ज़्यादा भी, क्योंकि अगर हम लोग खुद से ना करें आराम तो कभी आराम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए कहते हैं गृहिणी के पास बहुत काम होता है। और गाइज, अपने घर के काम को जब हम करते हैं तो जो सुकून मिलता है वो बहुत बहुत ज़्यादा सुकून देता है। बच्चे आ गए हैं, मैंने बच्चों को ले लिया है, उसके बाद यहाँ पे बैग वगैरह एक साथ रख देंगे, और ऐसी गर्मी की हालत में बच्चे पसीना से पस्त हुए आते हैं, बस इनके तुरंत के तुरंत शूज़ निकालवाना, आध्या के दक्ष की टाई बेल्ट निकालना, दक्ष के कपड़े निकालना, आध्या तो निकाल लेती है, और उसके बाद सीधे बेडरूम में लेके आती हूँ, फ़ैन चलाती हूँ और दोनों को खूब सारा प्यार करती हूँ, और उसके बाद ही मैं कुछ और करती हूँ, जो भी ये खाने पीने को मांगते हैं। ये मेरा डेली का रूटीन है, वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और बस उसके बाद मैं लग जाती फिर से कपड़े प्रेस करने के लिए, सारे प्रेस कर लिए हैं और उठा कर आप रख दूँगी जाके इनको अपनी जगह पर। मैंने अपना जो ये कपड़े का स्टैंड है इसको बाहर कर लिया है, क्योंकि अंदर की तरफ बारिश की वजह से अब इतनी धूप या रफ सी नहीं लगती है कि कपड़े सारे अच्छे से सूख जाएं, इसलिए अब मैं इसको यहीं रखूँगी। तो यहाँ पे जितने भी कपड़े हैं वो मैं अच्छे से फैला दे रही हूँ, और देख रहे हो इतनी अच्छी धूप आ रही है, और सारा दिन बहुत ज़्यादा धूप यहाँ रहती है, तो मेरे सारे कपड़े बहुत ही अच्छे से सूख जाया करेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। गाइस, अभी शाम के 8 बज रहे हैं,
तो डिनर तैयार कर रही हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पे मैंने चलाई है मूंग की दाल, आटा भी लगा के रख दिया है, बस इसको थोड़ा सेट हो जाने देंगे, फिर इसकी बनाएंगे हम रोटी। इसको प्लेट से ढक दूँ, नहीं तो मक्खी बहुत लग रही है आजकल, मक्खियाँ बहुत हो भी रही हैं, पता नहीं क्यों। नायल से पोछा लगाओ, ये करो वो करो, इतनी सफाई करो, मक्खियाँ भी बंद हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो हस्बैंड गए हैं बाहर, मतलब मार्केट गए हैं सब्जी लेने के लिए, साथ ही साथ इनका कुछ स्कूल का काम था वहाँ भी गए, वो भी करने गए हैं। और अभी क्या है, मेरा कूलर ख़राब हो गया गाइस, ऐसी सड़ी सी गर्मी में कल रात को एक कूलर ने धोखा दे दिया और इतनी बुरी आवाज़ कर रहा था जिसकी वजह से नींद ही नहीं आ रही थी। तो हम लोग बिना कूलर यानी बस यही फैन चलाकर सोए थे और बहुत सफोकेशन हो रखा था। ये गेट खोल लेती हूँ मैं, और इस गेट से क्या है हवा तो आती रहती है, थोड़ा ठंडक होती रहती है, बस कमी पता क्या है, ये ऊपर वाला जाल है, ये वाला यहाँ पीछे की तरफ जाली लगा दी है महीन वाली, फिर भी इतने महीन कीड़े हैं वो पता नहीं कहाँ से रास्ता बनाकर आ जाते हैं, तो वही आ जाते हैं। बाकी का बेड मेरा बहुत अभी मैसी है, दोपहर में सो गए थे बच्चे और हम, आज मुझे बहुत आलस वाली नींद आई थी, और आज लाइट भी काफ़ी देर तक गोल रही, मतलब आज शाम को लाइट नहीं आई है, 5 बजे आ जाती है वो नहीं आई है, 8 बजे 7:30 बजे करीबन लाइट आई है। तो कूलर वाले भैया को बुलाया था सही करवाने के लिए, तो वो आए थे, और इसका जो पार्ट्स है अंदर वाला जो ख़राब है वो लेके गए हुए हैं, तो कल बोला है सही करके लेके आएंगे लगाने के लिए। अब देखते हैं जो लोग कल बोलते हैं वो कल होता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। अभी मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है, बात ये करनी है कि आजकल जब मेरे व्यूज़ देख रही हूँ ना मैं अपने, तो बहुत दुख हो रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा। वो पुराने जो घाव थे हमारे वो फिर से एकदम किसी ने कुरेद दिए हैं, बहुत उभर गए हैं, ऐसा फील हो रहा है। मतलब जैसे कि जब मैंने शुरुआत में ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो मेरे व्यूज़ नहीं आते थे, मतलब सच बताऊँ कभी 100 व्यूज़ आ गए पूरे दिन में या 3 दिन में 4 दिन में वही रहते थे। ये सिचुएशन मैंने करीबन 8 महीने तक झेली थी, 8 महीने तक मेरा स्ट्रगल ऐसा ही रहा था। 8 महीने बाद मेरा वीडियो वायरल हुआ था एक, तो तब जाके मेरे व्यूज़ आने स्टार्ट हुए थे, पब्लिक तक मैं पहुंची थी, पब्लिक का प्यार मिला था मुझे, बहुत सपोर्ट मिला था, उसी सपोर्ट का नतीजा हमारे सब्सक्राइबर हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं और इतने सारे दिखते हैं। लेकिन लगता है यूट्यूब में कमी है या यूट्यूब प्रमोट नहीं कर रहा है, यूट्यूब बहुत सारे क्रिएटर को प्रमोट करता है, जिसके 1000 सब्सक्राइबर होते हैं उनको भी प्रमोट करता है, उनको आगे बढ़ाता है, तभी तो उनके वीडियोज़ के व्यूज़ जो हैं, डेली रूटीन के व्यूज़ जो होते हैं वो 3000-4000 कभी कभी 25-30-40 हज़ार भी चले जाते हैं, किसी किसी के तो मिलियन भी चले जाते हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है कि आपके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हों तभी आपके व्यूज़ अच्छे आएँ, व्यूज़ आना, पब्लिक तक पहुँचना, नज़रों तक पहुँचना, ये होता है। पता नहीं मेरा कहाँ से छुप गया है, क्या हो गया है, जब 8 महीने तक मेरे व्यूज़ ऐसे ही आते रहे थे 100-50 100-50, तो मैं 8वें महीने में मैं जो रोई हूँ, मैं दुखी हुई हूँ, मैंने अपना यही जो मेरा पुराना ट्राइपॉड जिसको मैंने जोड़ के रखा हुआ है वही मैं मतलब सोच रही थी कि मैंने इसे अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, मैं सोच रही वापस ही कर दूँ इसको, मुझे नहीं रखना है इसको। मैं बहुत दुखी हुई थी, बहुत रोई थी, और बस मेरे आंसू ऐसे बहे थे कि पता नहीं भगवान को मेरे पे दया आ गई, मेरा रातों रात एक वीडियो वायरल हो गया था और मैं बहुत खुश हुई थी, मुझे बहुत प्यार मिला था, और उस प्यार का आज तक मिलता ही आ रहा था, लेकिन बीच में धीरे धीरे घटता रहा, पता नहीं मेरे वीडियोस आप लोग तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो बेल आइकन को फिर से क्लिक करिएगा और मेरे वीडियो को देखिएगा। प्रियंका पाटकर ब्लॉग मेरे चैनल का नाम मैंने कर दिया है, आप सर्च करिएगा प्रियंका पाटकर, आराम से आ जाएगा जब भी आप सर्च करोगे। प्लीज़ सब्सक्राइब करो, जो नए जुड़ रहे हो देखते हो तो सब्सक्राइब भी किया करो, कमेंट भी कर दिया करो। आज बहुत दुख हो रहा है कि वो पुराने घाव फिर से उभरे, फिर से दुख हुआ, बहुत तकलीफ़ हुई आज का स्पेशली व्यूज़ देख के, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, मतलब 6 घंटे में 600 व्यूज़, मतलब बहुत दुख हो रहा था कि कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए जो ऐसा हो रहा है। अभी मैं मेहनत कर रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ, थोड़ी नहीं बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, मेरी मेहनत आप लोगों को दिखती भी है, ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं दिखती है, लेकिन आप लोगों तक वीडियोस नहीं पहुँच रहे हैं, ये कमी हो रही है। सो गाइज प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा मेरी वीडियोस को ताकि और लोगों तक पहुँचे, मेरा चैनल आगे तक बढ़े। मेरा चैनल बहुत डाउन जा रहा है, आप सबसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के भी प्लीज़ मेरी हेल्प करिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं, क्योंकि मैं बस यही खाना वगैरह बना के बस थोड़ी देर वॉक करूँगी और कल की तैयारी कर लूँगी, क्योंकि अब मेरा मन नहीं कर रहा है कुछ शूट वगैरह करने का, और गर्मी भी बहुत तेज़ है,
बहुत गर्मी हो रही है। आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, पानी खूब पिलाइएगा बच्चों को। गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा। बच्चे स्कूल जाते हैं कैसी हालत में, वैन में बैठ के जाते हैं, वो तो वही जानते होंगे। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में मैं इतनी ही रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से कि प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, प्लीज़ मुझे आगे बढ़ाइएगा, चैनल बनाया सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइज, गुड नाइट। नेक्स्ट डे सुबह मिल रही हूँ, बच्चों को तैयार किया, टिफ़िन लगाया, पति को भी टिफ़िन लगाया, वही रोज़ का रूटीन आपको क्या ही बताऊँ। और बस दक्ष यहाँ पर मुझे बहुत सारा प्यार देकर, आप सबसे नमस्ते करके, अपना आपका सबका आशीर्वाद लेकर स्कूल के लिए जा रहा है। और रोज़ उसके पापा इसी तरीके से मेरे दोनों बच्चों को, मतलब अपने दोनों बच्चों को गाड़ी में छोड़ते पहले आद्या, फिर दक्ष। दक्ष थोड़ा सा ज़्यादा प्यार करके जाता है मुझे, उसको बड़ा ही अच्छा लगता है किसी किसी करने का, तो वो ज़रूर करके जाएगा। जिस दिन नहीं करेगा ना, उसे खुद नहीं अच्छा लगता है। बस मैं बाय बोलूँगी उसको और वो चला जाएगा। और आप सबसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।